हेलो एवरीवन, टीचिंग ब्रांच में आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेज। तो आज हम इस लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन इन फिश के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन की जब बात आती है तो इसमें फ्रेश वाटर फिशेज हो या फिर साल्ट वाटर फिशेज हो, हम दोनों की बात करते हैं और दोनों के बारे में हम अलग अलग से इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेज को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन होती क्या है। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन जानेंगे और डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे उसका नेक्स्ट प्रोसेस, ओके। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यहां हम बात करेंगे फिश की, जो रेगुलेट करती है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, ठीक। कहां पे? अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। क्या मेंटेन रखने के लिए? होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है उसको रेगुलेट करती है, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। यहां से समझ आ गया ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। यहां पे जो पॉइंट मेंशन है क्या है, देखो यहां पे क्या लिखा है, इन फ्रेश वाटर द बॉडी फ्लूइड ऑफ फिशेज इज मोर कंसेंट्रेटेड हाइपरटोनिक देन द सराउंडिंग्स एंड सो द फिशेज टेंड टू गेन वाटर एंडो ऑस्मोटिकली एंड लूज आयंस बाई डिफ्यूजन्स। कहता है कि जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, जो बॉडी फ्लूइड होता है फिशेज का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। वो क्या होता है? फ्लूइड कंसनट्रेटेड होता है, मीन्स हाइपरटोनिक होता है। देन द सराउंडिंग एंड सो द फिशेज टेंड टू गेन वाटर एंडोस्मोटिकली। एंडोस्मोटिकल मतलब क्या होता है कि वाटर एंटर करता है फिशेज के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोटिकली। अब ये पॉइंट समझने के लिए, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इन सी वाटर द बॉडी फ्लूइड ऑफ इनहैबिटिंग फिशेज इज मोर डाइल्यूट हाइपोटोनिक होता है देन द मैरीन हैबिटेट सो द फिशेज टेंड टू लूज वाटर एक्सो ऑस्मोटिकली बट गेन आयंस हिंस मैरीन फिशेज टेंड टू ड्रिंक वाटर। देखिए यहां पे मेन पॉइंट जो है, यहां पे फ्रेश वाटर के बारे में बताया गया है कि ये हाइपरटोनिक होती है। दूसरा क्या बताया गया, जो सी वाटर होती है ये हाइपरटोनिक होती है। अब हम इस पॉइंट को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम नोट डाउन करते हैं, तब जाके आपके जो है आपको ये इन फिशेज के बारे में, फ्रेश वाटर के बारे में और मैरीन फिशेज के बारे में आपको समझ आएगी। देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हाइपरटोनिक क्या होता है, उसके बाद हमें समझना है हाइपरटोनिक क्या होता है, ठीक। हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक को समझने के लिए हमें एक पॉइंट थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अपने बीएससी में या फिर आपने 11th 12th में पढ़ा होगा सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन के अंदर आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या आता है? सॉल्यूट आता है और सॉल्वेंट आता है, ओके। ये चीज क्लियर है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है, सॉल्यूट आता है और सॉल्वेंट आता है। अब जो सॉल्यूट होता है सॉलिड, और सॉल्वेंट जो होता है ये होता है लिक्विड, ये भी आप जानते हैं। अब जो ये सॉलिड होता है, इसमें हम कहते हैं जो सॉल्ट है, सॉल्ट आता है सॉल्यूट के अंदर, और जो वाटर है, वाटर आता है सॉल्वेंट के अंदर। ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बनता है। अब जो सॉल्यूट होता है ये सॉलिड होता है जिसमें सॉल्ट आता है, और जो सॉल्वेंट होता है इसके अंदर वाटर आता है। जब आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे, उसके बाद हमें एक चीज और देखनी है, वो क्या है, वो है कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। क्योंकि आप पढ़ते हैं कि सॉल्ट कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन या किसी चीज की भी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जब बात आती है तो कंसंट्रेशन हमेशा
जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को लेकर हम जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की। किसकी? सॉल्यूट की। जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा हम कहते हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जब सॉल्यूट कम होगा हम कहते हैं कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, क्या बताया मैंने? मैंने यह बताया जो सॉल्यूट होता है अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर सॉल्यूट कम है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन कम है। ठीक, यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे कि सॉल्यूट जब ज़्यादा होता है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? जब साल्ट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जब साल्ट कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। यहाँ पे हमने बात की हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक आप याद रखना कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक, आप कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब क्या होता है? जो सॉल्यूट होगा सॉल्यूट ज़्यादा होगा और जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट होगा सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्वेंट कम होगा, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक जो है ये देखा गया है फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर। किसके अंदर? फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर जो होता है वो क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। इन हम फिश की अंदर की बात करें, जो बाहर की बात है, बाहर आप समझ गए होंगे क्या होगा। हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है? जो फ्रेश वाटर होती है, फ्रेश वाटर फिश की जो बॉडी होती है उसमें ज़्यादा क्या होता है? साल्ट होता है। बाहर जो है बिल्कुल कम साल्ट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोटोनिक की। तो हाइपोटोनिक आप इसके अपोजिट में लीजिएगा, कंसंट्रेशन जो है बहुत कम होगी, मतलब साल्ट जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर कम होता है लेकिन बाहर आपको ज़्यादा, इन्वायरमेंट के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूट आपको कम मिलेगा और जो सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट आपको यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो जो कंसंट्रेशन होगी कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको कम दिखाई देगी, जो साल्ट होगा वो कम होगा। किसके अंदर कम होगा? फिश के अंदर। कौन सी फिश के अंदर? मैरीन फिश के अंदर। मैरीन फिश के अंदर कम होगा सॉल्यूट। ऊपर जो ये फिश दिखाई दे रही है ये हमने बताया है कि ये फ्रेश वाटर टिलोस्ट है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है जो ये फ्रेश वाटर टिलोस्ट है? जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, हाइप्रो ऑस्मोटिक होती है। क्या होती है? ये हाइप्रो ऑस्मोटिक टू द सराउंडिंग मीडियम। वाटर इंटर करता है इसकी बॉडी के अंदर थ्रू ओरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ओरल मेम्ब्रेन से इसके जो है बॉडी जो वाटर है वो बॉडी के अंदर फ्लो करता है। गिल्स की बात करें, गिल्स की वजह से भी करता है, सिकन की वजह से भी करता है, सिकन से भी करता है। और हम बात करें जो इंटेस्टाइनल सर्फेसेस होती हैं वहाँ से भी जो है वाटर इंटर करता है बॉडी को। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? जो फ्रेश वाटर टॉस्ट होती है ये लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, ये तकरीबन 5 से 12% ऑफ द बॉडी वेट पर डे जो है ये प्रोड्यूस करती है और साल्ट को रिड्यूस करती है, लॉस करती है। क्या करती है? साल्ट को लॉस करती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मेंशन है कॉर्पस डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन जो है इसका मतलब क्या होता है? जो इसमें वाटर ज़्यादा होता है साल्ट कम होता है उसको हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। तो यहाँ पर मैंशन है कॉर्पस डाइल्यूट यूरिन CA20MOSM। सबसे पहले हम ओ एस एम क्या होता है? ओ एस एम जो होता है वो होता है, ये एक्सप्रेस करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओ एस एम क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी जो होती है सॉल्यूशन की वो एक्सप्रेस करते हैं ओ एस एम लीटर। तो यहाँ पे है एम 20 एम। एम जो है ये होता है मोलैरिटी। ठीक है, एम हम मोलर के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम एम से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे है वाटर इम्परमीबिलिटी। ऑस्मोटिक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो एक अपरमीबिलिटी होती है सिकन की वो रिड्यूस हो जाती है प्रेजेंस ऑफ जो इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं स्केल्स की वजह से, और जो म्यूकस होता है इसके सिकन से सिकन के ऊपर उसकी वजह से परमीबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और जो मूवमेंट होती है आयन्स की वो ज़्यादा हो जाती है, और खासकर देखा गया है ये कहाँ पे होती है? गिल्स के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? गिल्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ मैक्सिमम आयन्स इन वाटर कहाँ पे देखने को मिलता है? गिल्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम किडनी की बात करें, जो किडनी होती है फ्रेश वाटर टिलोस्ट की ये बड़ी होती है अगर हम पूरी बॉडी के साइज की बात करें, और उसके अंदर बहुत सारे ग्लोमेरुला होते हैं और 10,000 देखा गया है इसके अंदर जो ग्लोमेरुला है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं लार्ज साइज क्या करते क्या है काम क्या करते हैं? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट करते हैं। क्या ये फिल्ट्रेशन करते हैं? ये बात आपको याद रखनी है। ओके, और उसके बाद क्या है
यूरिन का जो एक कॉपी सिक्रेशन होता है, जो यूरिन जब यहाँ पे जो यूरिन जब ये फिश करती है फ्रेश वाटर, वो क्या होता है, वो कॉपी सिक्रेशन होता है, बहुत सारे फ्रेश वाटर लॉस्ट होती है उसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भी प्रेजेंट होता है जो यूरिन को स्टोरेज करता है, ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड्स हैं, ठीक है, ये आयांस हैं, ये क्या है, आयांस हैं। अब क्या होता है, एक्टिव आयन अपटेक थ्रू गिल्स, गिल्स से ये एक्टिव जो होते हैं आयांस को अपटेक करते हैं, वाटर जो है ये एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ से, सिकल से जो है इनका वाटर का एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। आयांस को जो लूज करती है वो बाई डिफ्यूजन करती है, ठीक है, बाई डिफ्यूजन करती है, जो फ्रेश वाटर के जो भी आयांस जब करेंगे बाहर तो ये डिफ्यूजन होता है, ये पॉइंट भी आप इसको नोट कीजिएगा। जिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स और जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होते हैं वो आयांस को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो यूरिन जो होता है डाइल्यूटेड होता है, और जो हाइपो ऑस्मोटिक टू ब्लड और जो साल्ट होते हैं वो वहाँ पे। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो मैरीन वाटर फिश है, ठीक है, जो कौन सी है, मैरीन टिलोस्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मैरीन टिलोस्ट में आप देखोगे जो साल्ट कंसंट्रेशन बाहर है इन्वायरमेंट के अंदर जो साल्ट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, तो जो वाटर है ये वाटर को लूज़ करती है, ये बात आप याद रखना। उसके बाद जो साल्ट है वो इंटर होता है, साल्ट इंटर होता है वाटर का लूज़ होना, तो और अगर हम यूरिन की बात करें, जो ये यूरिन जो होता है इनका, ये हाइपरटोनिक यूरिन होता है जो सिक्रेट करता है, मैग्नीशियम करता है, ठीक है, और वाटर करता है, साल्ट जो है ये कम करता है, वाटर जो है वो ज़्यादा करता है, इसलिए हम लिखा है स्कैन डाइल्यूट यूरिन। उसके बाद जो एक्सेस साल्ट होता है, एक्सेस साल्ट को रिमूव करना किसका काम होता है, गिल्स का काम होता है, एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट जो होता है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट करना है। और एक्सेस साल्ट को कौन रिमूव करता है, गिल रिमूव करते हैं। अब जो मरीन वाटर होता है मोस्टली इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होते हैं, ठीक है, और जो कैल्शियम है मैग्नीशियम है ये लेस कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, ठीक। उसके बाद तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये हाइपो ऑस्मोटिक होते हैं। हाइपो ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन विद अ हायर ऑस्मोलरिटी, मतलब ये जो इनके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो हायर ऑस्मोलरिटी होता है। उसके बाद हम बात करें ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को कंपनसेट रखने के लिए, मैरीन फिशेज जो हैं वो पानी पीती हैं, क्या करती हैं, वो ड्रिंक करती हैं वाटर, वो मैरीन फिशेज ड्रिंक वाटर क्यों करती हैं, क्योंकि उनको ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को कंपनसेट रखने के लिए वो ऐसा करती हैं। अब जो इनकी किडनी होती हैं, जो किडनीज होती हैं ये हाईली मॉडिफाइड होती हैं, और जो वाटर जो होता है डीसीटी होता है, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्स, ये इनके अंदर नहीं होता है, तभी इनके अंदर जो वाटर है वो कंजर्व हो जाता है। और जिस तरह से हमने फ्रेश वाटर के अंदर देखा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे वो भी रिड्यूस होता है। वाटर लॉस की बात करें रेगुलर, जैसे मैंने बोला गिल्स और बहुत सारी जो जैसे अदर्स परमिएबल सरफेस होती है वहाँ से ये वाटर को लॉस करता है। सोडियम, जैसे सोडियम है क्लोराइड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये एक्सक्रीट अगेंस्ट लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे मिट्स, टेक्सोनोमिस्ट भी बोल सकते हो, साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, एथोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, उसने अच्छा काम किया है। उन्होंने क्या कहा था कि जो सोडियम होता है ये पैसिव प्रोसेस से एक्सक्रीट होता है, किससे होता है, ये पैसिव जो होती है, पैसिव प्रोसेस से जो सोडियम होता है वो क्या होता है, वो एक्सक्रीट होता है, और वहाँ पे पोटेशियम और सोडियम जो है वहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो ये किसने कहा था, ये मेट्स ने कहा था। पोटेशियम जब इंटर करता है गिल्स को, ठीक है ना, जब पोटेशियम जो होता है जब वो इंटर करता है गिल्स को, डिफ्यूज आउटवर्ड्स अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेशियम इंटरिंग द गिल डिफ्यूज आउटवर्ड्स, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये था इसके बारे में, मैरीन फिशेस के बारे में, और वो था फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं और जो कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। ओके, आगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्टीनोहेलिन और यूरीहेलिन में क्या डिफरेंस है। ठीक, स्टीनोहेलिन और यूरीहेलिन में क्या डिफरेंस है, देखिए बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं ना जो फ्रेश वाटर के अंदर या फिर मैरीन वाटर के अंदर वो रहती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्पीशीज लिव आइदर इन फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, और वो सर्वाइव करती हैं ऑनली स्मॉल चेंज इन सैलिनिटी। दीज फिशेज हैव लिमिटेड सैलिनिटी टॉलरेंस एंड और कॉल्ड स्टीनोहेलिन। स्टीनोहेलिन का मतलब क्या होता है, स्टीनो का मतलब होता है नैरो, हेलिन का मतलब होता है साल्ट। ठीक है ना, जो नैरो साल्ट के अंदर ये अपने आप को इनका जो है अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टीनोहेलिन। उसके बाद कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है ना जो वाइड सैलिनिटी
टॉलरेट करती हैं और इनहेबिट बोथ फ्रेश वाटर में रहती हैं एंड सी वाटर में। कहाँ पे? फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों में रहती हैं, तो उनको हम कहते हैं यूरीहेलिन। तो इसको होता है वाइड रेंज, जैसे ईल है, एंगुला, सेल्मो है, हिल्सा है, गैस्ट्रोसिस जो है, उसके बाद फंडलस है, ये जो आती हैं ये आते हैं यूरीहेलिन के अंदर। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे स्टीनोहेलिन और यूरीहेलिन में क्या डिफरेंस है, तो स्टीनोहेलिन जो होता है ये नैरो रेंज होती है और जो यूरीहेलिन होती है ये वाइड रेंज होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं उनके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसी होती है। देखिए, अगर हम फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें, इनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है बॉडी की वो हायर होती है देन द सराउंडिंग। फ्रेश वाटर की बात हो रही है कि हम बोलते हैं जो सराउंडिंग है उसमें सैलिनिटी कम दिखेगी और लेकिन उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा दिखेगी, तो इसको हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक। क्या बोलते हैं? हाइपर ऑस्मोटिक बोलते हैं। उसके बाद है वाटर जो होता है डिफ्यूज़ होता है इनटू द बॉडी थ्रू गिल्स। गिल्स के थ्रू जो है वाटर डिफ्यूज़ होगा ओरल मेम्ब्रेन के द्वारा और गट। ठीक है, क्या याद रखना, गिल्स, ओरल मेम्ब्रेन और गट, इन तीन चीज़ें जो हैं इनसे वाटर डिफ्यूज़ होता है। सेकंड की बात करें, सेकंड से भी होता है बट लो परमिबिलिटी टू वाटर एंड साल्ट आयंस, हिंस वेरी लिटिल वाटर इज अलाउड टू एंटर द बॉडी। अगर बॉडी की बात करें, सेकंड की बात करें, बहुत ही कम मकदार में देखा गया है वो अलाउ करता है, चाहे पानी की बात करो चाहे साल्ट की बात करो। ओके, टू काउंटर द कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ वाटर थ्रू गिल्स, तो जैसे कंटिन्यू पानी चलता रहेगा गिल्स के अंदर, जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं डाइल्यूट यूरिन। मैंने बताया आपको डाइल्यूट का मतलब क्या है, इसमें जो वाटर है साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी, जो है वो वाटर ज़्यादा मिलेगा साल्ट कम मिलेगा, तो डाइल्यूट यूरिन जो है ये प्रोड्यूस करती हैं। और जो इनकी किडनीज होती है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ वेल डेवलप्ड, इनके अंदर जो ग्लोमेरुला होता है वो देखा गया है 10,000, जो कि वेल विस्कुलराइज्ड होता है और फिल्टर करता है एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, और इज एलिमिनेटेड एज हाइपोटोनिक यूरिन बनाता है। किडनी जो होती है फ्रेश वाटर फिश की वो लार्जर होती है इन रिलेशन टू दी बॉडी वेट, बॉडी वेट को देखते हुए देन दैट ऑफ मैरीन फिशेज। जो फ्रेश वाटर की फिश की किडनी जो होती है ये आपको बड़ी देखने को मिलेगी और ये प्रोड्यूस करती है कॉपिस यूरिन। ठीक है, उसके बाद क्या है मेन चीज़, क्या है जो फ्रेश वाटर टिलोस्ट होती है वो पानी को ड्रिंक नहीं करती है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर टिलोस्ट होती है डज नॉट ड्रिंक वाटर, ये पॉइंट भी याद करना है। और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इंटर करता है बॉडी किसके द्वारा, क्या होती है उस टाइम, ऑस्मोसिस होती है, इट इज़ मोर देन नेसेसरी फॉर फिश। हो गया, ये पॉइंट भी नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद क्या है, जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं वो साल्ट को लूज़ करती हैं, खासकर बात की जाए क्लोराइड्स की, किससे करती हैं, बाई पैस्यू डिफ्यूजन होती है, ये पॉइंट भी नोट कीजिए, थ्रो मेम्ब्रेन। कुछ साल्ट्स आर लॉस्ट थ्रो फिशेज, पेशाब से भी कुछ होता है, यूरिन से भी होता है, यूरिन आल्सो कंटेन सम नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, एज क्रेटीन आपको मिलेगा, क्रेटनिन मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा, यूरिया मिलेगा और थोड़ा बहुत अमोनिया भी आपको मिल सकता है। और जो क्वांटिटी होती है साल्ट की लास्ट इन अ डे वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज, हर एक स्पीशीज का अपना अपना होता है। ठीक है, अगर हम सैल्मन की बात करें, जो लास्ट करती है साल्ट अप टू 17% ऑफ द बॉडी क्लोराइड, वाइल इन गोल्ड फिश की बात करें करेशियस ओरेटस की, ये सिर्फ 5% करती है। द लास्ट ऑफ साल्ट हाउएवर केप्ट एट द मिनिमम बाई एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द, अब इसमें क्या होता है, कम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, किस जगह होती है, प्रोक्सिमल या डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर। और जो लॉस होता है साल्ट का पार्शली उसको कौन कंपनसेट करता है, वो कंपनसेट होता है थ्रू फूड एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट आयंस फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। तो इसे क्या देखा गया है, जो बहुत सारे जो क्लोराइड सेल्स होते हैं इन द गिल्स एंड ओरल मेम्ब्रेन वो मेनली देखे गए हैं, और साल्ट आयन जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं बाई दीज स्पेशल सेल्स एट द बेस ऑफ गिल लैमिला, जैसे लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, ब्रोमीन है, सुफोर है, फॉस्फेट है। द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ साल्ट बैलेंस इज अंडर, इस तमाम का तमाम कहाँ होता है, ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है पहली फ्रेश वाटर, यहाँ आप देखो ये फ्रेश वाटर पानी नहीं पीती है ये। ठीक है, देखो गिल्स, ये जो अंदर की तरफ एरो हो रहा है बट अंदर जा रहा है, बाहर की तरफ आता है बाहर जा रहा है,
तो ये पूरा है। यहाँ पे देखो किडनी का क्या फंक्शन होता है। सेकेंड जिसका जो होता है इंपेयर बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कॉपीज डिल्यूट यूरिन आपको मिलेगा। उसके बाद हमने देखा पढ़ा है आपको ये जो साल्ट मैरीन टेलोस्ट है, इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब मैरीन के अंदर क्या कुछ है हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह कि ये सी वाटर को पीती है, ड्रिंक करती है। देखिए जी मैरीन टेलोस्ट जो होती हैं, जिसको हम पहला पॉइंट क्या लिखना है, हाइपो ऑस्मोटिक होती हैं। ये ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन मिलेगा साल्ट का, जो इनका सिकन होता है मरीन फिश का एज इन फ्रेश वाटर स्पीशीज़, ये इम्परमीएबल होता है। और ऑस्मोटिक एक्सचेंज ओकर होती है थ्रू गिल एंड ओरल मेम्ब्रेन। मरीन फिशेज जो होती हैं आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर एंड गेन साल्ट, ये बात याद रखना। इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, जो मरीन फिशेज होती हैं ये इसीलिए वाटर पीती हैं, सी का पानी जो है वो पीती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सॉल्ट कंटेंट होता है बॉडी के अंदर वो कम नहीं होता है बल्कि वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो यूरिन का जो आउटपुट होता है वो रिड्यूस हो जाता है टू कंजर्व वाटर, और जो इसके अंदर ग्लोमेरुलो होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, ये भी रिड्यूस करते हैं और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। जो डिस्टल सेगमेंट होता है ट्यूब्यूल का वो एब्सेंट होता है। ऑनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और मोस्ट जो वाटर होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है किसके अंदर, इन ट्यूब्यूल के अंदर। मैरीन फिश जो होते हैं ये सी वाटर को पीती हैं, और सोडियम एंड क्लोराइड आयंस जो हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं थ्रू द गट। बहुत सारी स्पीशीज रिपोर्ट की गई हैं कि जो पानी पीती हैं मोर देन 25% जो है ऑफ देयर बॉडी वेट पर डे, और 80% को वो एब्जॉर्ब करती हैं। जो एक्सेस साल्ट आयंस होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं बाहर की तरफ बाय द स्पेशल क्लोराइड सेल्स होते हैं गिल्स के अंदर, ओरल मेम्ब्रेन एंड इन द सरफेस ऑफ द अपर कॉलम। तो यूरिन का जो फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है सब स्पीशीज के अंदर हैविंग ए ग्लोमेरुलर किडनी होती है, जैसे हमने बात की है यहाँ पे लिखा है ऑब्सेनस ट्यू की। ठीक है, अब मैरीन भी हो गया, फ्रेश वाटर भी हो गया, हम थोड़ा बहुत हैग फिशेज की बात करते हैं या कॉन्डिजिनस की बात करते हैं। हैग फिशेज की बात करें, जो मैरीन सेक्सोस्टोम्स जिसको कहते हैं, इनका जो ब्लड होता है वो नेली आइसोस्मोटिक होता है टू सी वाटर। तो पार्टिकुलरली यहाँ पे कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होती है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हैग फिशेज पानी को नहीं पीती हैं, और रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर यूरिन फॉर्मेशन इज मेट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द होस्ट। ओके, उसके बाद बात करें कॉन्डिजिनस की, या फिर हम सिला केंद्र की बात करें, ये मेंटेन करती हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड नियरली एट द सेम लेवल एज दैट ऑफ सी वाटर। ओके, एंड आर नॉट इन डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन एंड डू नॉट ड्रिंक सी वाटर। तो ये क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं आपके कुछ एग्जाम जो होते हैं फिशरीज के, वहाँ पूछ सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। और हम बात करें ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्सीडेज हो या यूरिया हो इन द ब्लड स्लाइटली हाइप्रोस्मोटिक टू सी वाटर, दीज फिशेज अगेन वाटर थ्रो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल्स। तो यहाँ पे आपको ऑस्मोटिक डिफ्यूजन मिलेगी, और ये भी पानी नहीं पीती हैं। किडनी जो होती है इनके अंदर लार्ज ग्लोमेरुला होते हैं फ्रेश वाटर, जैसे फ्रेश वाटर के अंदर देखा गया है, और इनके अंदर भी जो यूरिन फॉर्म होता है वो फिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। मोस्ट ऑफ द यूरिन जो है वो कंटेन होते हैं फिल्ट्रेट ऑफ द रिजॉल्व बाई स्पेशल सेगमेंट ऑफ द यूरिन ट्यूब्यूल्स। जो गिल्स होते हैं कॉन्डिजिनस के वो इम्परमीएबल होते हैं टू यूरिया, सो दैट इट इज रिटेन इन द ब्लड इन द लार्ज क्वांटिटी टू रेज द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड टू स्लाइटली हायर लेवल देन सी वाटर। तो जो डायड्रामस होती हैं, जैसे सैल्मन है, हिल्सा है, ये एनाड्रामस फिश होती हैं, ये ज़्यादातर सी वाटर के अंदर रहती हैं, बट ये रैवर के जाती हैं स्पॉन के लिए। तो ये जो एग डेवलप करती हैं फ्राई या फिंगरलिंग इन द रैवर्स एंड लेटर वापस आ जाती हैं सी के अंदर। तो ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये एबल टू एडजस्ट टू वाटर ऑफ डिफरेंट सैलिनिटीज ड्यू टू, किस वजह से होते हैं, ये हार्मोनल कंट्रोल एक्टिविटी की वजह से होते हैं। जैसे यंग सैल्मन जो है डू नॉट इंटर द सी अनटिल साल्ट सिक्रेटिंग सेल्स हैव डेवलप्ड इन द गिल्स, जब तक साल्ट सिक्रेटिंग सेल्स डेवलप नहीं होगी गिल्स के अंदर तब तक वो सी के अंदर नहीं आती। इन अदर फिजियोलॉजिकल चेंज हैव बीन कंप्लीटेड, ईल की बात हो, एंगुला की बात हो, फ्रेश वाटर ऑफ रेवर के अंदर रहती है, माइग्रेट करती है सी में टू स्पॉन। जो लार्वा होता है लेप्टोस्पिलस, ये भी सी के अंदर रहता है 1 से 3 साल। जब ये मेटामॉर्फोसिस होती है, जब ये यंग ईल्स बनती हैं, एलवर्स को हम बोलते हैं, जो माइग्रेट करती हैं टू द राइवर्स, तो जो एडजस्टमेंट होती है ये भी हार्मोन्स के द्वारा होती है। ओके, अब रोल क्या रहता है हार्मोन का वो भी थोड़ा देखते हैं।
हार्मोन इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ यूरिन फ्लो बाय अल्टरिंग द फिल्टरिंग रेट इन द रीनल कॉर्पस थ्रू चेंज इन ब्लड प्रेशर. ठीक है, दस अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट इज अल्टर एज रिक्वायर्ड. सिमिलरली साल्ट बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय हार्मोन्स कंट्रोलिंग डिफ्यूजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस बाय द क्लोराइड सेल्स इन द गिल्स. अब मेन जो हार्मोन है जो आएगा वहाँ पे वो है एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन, थायराइड हार्मोन एंड दोज प्रोड्यूस्ड बाय सुप्रारीनल आर आल्सो नोन टू इन्फ्लुएंस एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस. प्रोलैक्टिन की बात करें इसका भी अच्छा खासा रोल है ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर. तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं. हालांकि अगर हम बात करें ना ये हार्मोन्स की बात करें या ऑस्मोरेगुलेशन की, एक पूरी बुक है जिसकी 1000 पेज हैं, तो फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है. आगे थोड़ा और पढ़ते हैं. हमने पूरा बताया आपको, अब हम थोड़ा नोट डाउन करने के लिए आपको, ताकि जो नोट्स बना रहे होंगे बच्चे उनके लिए मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ. जो बॉडी फ्लूइड होता है फ्रेश वाटर फिश का जनरली वो क्या होता है, हाइपरोस्मोटिक होता है टू देयर एक्वस मीडियम. तो दे आर पॉजिटिव टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम. दो किस्म की जो प्रॉब्लम जो आती है वो क्या है, पहला क्या है, बिकॉज ऑफ हाइपरोस्मोटिक बॉडी फ्लूइड दे आर सब्जेक्टेड टू स्वेलिंग बाई मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू देयर बॉडी ओविंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स. तो स्वेलिंग की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है इन फिशेज़ के अंदर. उसके बाद होता है जो सराउंडिंग मीडियम होता है वो उसके अंदर लो साल्ट कंसनट्रेशन होती है जैसे मैंने बताया. तो दे आर फेस्ड विद डिसअपेयरेंस ऑफ देयर बॉडी साल्ट्स बाई कंटिन्यूअल लॉस टू द इन्वायरमेंट. तो जो ये डिसअपेयरेंस होता है बॉडी साल्ट का, इससे जो ये कंटिन्यूस लॉस होता है इन्वायरमेंट में, तो इससे भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है. जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं ये प्रिवेंट नेट गेन ऑफ वाटर एंड नेट लॉस ऑफ साल्ट. तो ये जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं वाटर गेन का, नेट गेन ऑफ वाटर और नेट लॉस ऑफ साल्ट को. बट नेट इनटेक ऑफ वाटर जो है इसको कौन प्रिवेंट करता है, वो करता है किडनी. ठीक है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है एक डाइल्यूट जैसे मैंने बताया मोर कॉपीज. तो प्लेंटीफुल हेंस डाइल्यूट मींस जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है. तो ये जो फिगर है आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से ऑस्मोरेगुलेटरी इनफ्लो होता है और आउटफ्लो ऑफ साल्ट होता है एंड वाटर इन ए फ्रेश वाटर फिश. ओके, उसके बाद क्या है, द यूजफुल साल्ट्स आर लार्जली रिटेन्ड बाई रीअब्जॉर्प्शन टू द ब्लड इन द ट्यूब्यूल ऑफ किडनी. तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, रीअब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर होता है और इन द ट्यूब्यूल ऑफ किडनीज. और वहाँ उसके बाद क्या होता है, एक डायल्यूट यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है. कुछ साल्ट जो है वो रिमूव होता है अलॉन्ग विद यूरिन और वो क्रिएट करते हैं टोरेंशियल लॉस ऑफ सम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साल्ट जैसे KCl, NaCl, CaCl2, MgCl2 और इनको रिप्लेस विच आर रिप्लेस्ड इन वेरियस पार्ट्स. ठीक है, अब जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ एक्सक्रीट करती हैं सोडियम और क्लोराइड थ्रू देयर गिल्स. गिल्स से ये जो है वो करती हैं एक्सक्रीट करती हैं सोडियम भी और कैल्शियम भी. सराउंडिंग वाटर हैविंग लेस देन 1 mm LnaCl इवन थ्रू द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द साल्ट एक्सीड 100 mL NaCl, दो जो NaCl एक्टिविटी होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है गिल्स में अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इन एक्सेस ऑफ 100 टाइम्स. इन फिशेज के अंदर देखा गया है जो साल्ट लॉस होता है या फिर वाटर अपटेक होता है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द एंटीक्यूमेंट कंसिडरेबल विद लो परमिबिलिटी. ऐसे में आपको मैंने बताया कि जो एमपीबिलिटी होती है वो लो हो जाती है. ठीक है, बोथ वाटर एंड साल्ट आल्सो नॉट ड्रिंकिंग द वाटर. तो ये वाटर भी ड्रिंक नहीं करती है. तो यहाँ पे है एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड साल्ट इन सम फिशेज. जैसे आप पहला देख रहे हो, ये पहला ए है, इसमें क्या है, ये एक मैरीन एलाजमो ब्रांच है, डज नॉट ड्रिंक वाटर एंड हैज आइसोटोनिक यूरिन. उसके बाद जो दूसरी है ये है मैरीन ट्रॉस्ट जो ड्रिंक करती है वाटर को और एसोटोनिक यूरिन ये भी करती है. तीसरा जो है ये आपको देखने को जो मिल रही है तीसरी, वो है फ्रेश वाटर ट्रॉस्ट ड्रिंक्स नो वाटर एंड हैज स्ट्रांगली हाइपोटोनिक यूरिन. तो ये एब्जॉर्ब्स करती है साल्ट्स को विद अगेंस. ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट वो क्या है हमें पढ़ना है, वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन फिशेज. अब मैरीन फिशेज के अंदर किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन होती है, जैसे मैंने बताया जो कंसंट्रेशन होती है बॉडी फ्लूइड की और मैरीन वाटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायरमेंट मच एनर्जी फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलरिटी. इनको कुछ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है कि किस तरह से वो अपने बॉडी के अंदर मेंटेन रखेगी ऑस्मोलरिटी को. इसके एग्जांपल क्या है, हैग फिश है, मैगजीन है, जिनका प्लाज्मा जो है वो देखा गया है वो आइसोस्मोटिक होता है इन्वायरमेंट के द्वारा.
तो हैगफिश मेंटेन करती है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एसओ फोर सेग्रीफिशेड लोअर एंड सोडियम एंड क्लोराइड हायर इन कंपेरिजन टू सी वाटर। अदर मैरीन वाटर फिशेज जो है जैसे शार्क्स की बात करें, रेज की बात करें, स्केट्स की बात करें या फिर प्रिमिटियो जो है सिलिकेंथ लैटिमेरिया हैव प्लाज्मा विच इज़ आइसो ऑस्मोटिक टू सी वाटर। दे डिफरेंट फ्राम हैग फिश इन हैविंग कैपेसिटी टू मेंटेन वेरी लो इलेक्ट्रोलाइट्स इन ऑर्गेनिक आयन्स कंसनट्रेशन। दे आल्सो हैव डिफरेंस विद ऑर्गेनिक ऑस्मोलिटिक इन ऑर्गेनिक आयन्स कंसनट्रेशन। दे आल्सो हैव डिफरेंस विद ऑर्गेनिक ऑस्मोलाइट्स लाइक यूरिया ओके एंड ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्सीडेस। किडनी जो होती हैं सेलिकेंथ की या फिर एराजो ब्रांच की वो एक्सक्रीट करती हैं एक्सेस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे NaCl। और जो रेक्टल ग्लैंड होता है लोकेटेड एट द एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टेक पार्ट इन द एक्सक्रीशन ऑफ NaCl। तो रेक्टल ग्लैंड जो है वो भी पार्ट इसमें हिस्सा बनता है, वो एक्सक्रीशन करता है सोडियम क्लोराइड को। जैसे मॉडर्न बोनी फिशेस के अंदर देखा गया है जो मैरीन टेलोस्टर हैं द बॉडी फ्लूड हाइपोटोनिक होता है टू सी वाटर सो दे हैव टेंडेंसी टू लूज वाटर टू द सराउंडिंग पार्टिकुलरली फ्रॉम गिल वाया एपिथीलियम। ये पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्या हुआ है अबाउट 70-80% जो सी वाटर है वो कंटेन करता है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ये इंटर करते हैं द ब्लड स्ट्रीम बाई जब एब्जॉर्प्शन होती है एक रास्ता इंटेस्टिनल एपिथीलियम। तो मोस्ट ऑफ द जो डाइवर्डेंट कैटायन जैसे कैल्शियम है मैग्नीशियम है या एसओ फोर है लेफ्ट इन द गट आर फाइनली एक्सक्रीट आउट। तो ये बाद में ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जो एक्सेस साल्ट की बात करें वो एब्जॉर्ब होता है अलॉन्ग विद सी वाटर इज अल्टीमेटली रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द हेल्प ऑफ गिल्स। तो गिल्स की वजह से ये क्या होता है ये रिमूव करता है जो एक्सेस होता है बाई द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन्स या क्लोराइड समटाइम्स पोटेशियम भी उसमें हिस्सा लेता है। तो डाइवर्डेंट आयन्स जो हैं वो सिक्रेट होते हैं इनटू द किडनी। उसके बाद बात करें जो यूरिन होता है वो आइसोस्मोटिक होता है टू द ब्लड रिच इन दोज सॉल्ट्स पार्टिकुलरली मैग्नीशियम कैल्शियम एंड एसओ फोर जो है ये नॉट सिक्रेट बाय द गिल्स। ये पॉइंट आपको नोट करना है ये गिल्स से एक्सक्रीट नहीं होते हैं। कंबाइंड ऑस्मोटिक एक्शन ऑफ गिल किडनी इन मैरीन टेलोस्ट रिजल्ट इन द नेट रिटेंशन ऑफ वाटर दैट इज हाइपोटोनिक बोथ टू द इंजेस्टेड वाटर एंड यूरिन। By using a similar mechanism, some टेलोस्ट species होते हैं जैसे सेलमॉन की बात करें ऑफ पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट मेंटेन मोर और लेस कंसेंटेंट प्लाज्मा ऑस्मोलिटी इन स्पाइट ऑफ बींग माइग्रेटरी बिटवीन मैरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। अब जो माइग्रेशन करती है उनके अंदर भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखोगे ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन इन मैरीन बोनी फिशेज के अंदर आप देख सकते हैं ठीक है। अब हम कंट्रोल किस तरह करते हैं। कंट्रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्मोरेगुलेशन को हम कंट्रोल किस तरह करते हैं। जो कंसंट्रेशन होती है डाइल्यूशन ऑफ यूरिन ये कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स का बड़ा अच्छा रोल रहता है विच अफेक्ट द रेट ऑफ रीनल फिल्ट्रेशन बाय चेंजिंग द ब्लड प्रेशर दस कंट्रोल द क्वान्टिटी ऑफ यूरिन। हार्मोन्स जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिफ्यूजरेट एब्जॉर्प्शन अक्रॉस द गिल एपिथीलियम। जो थायराइड ग्लैंड है एंड सुपररीनल बॉडी सीक्रेट एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन जो कंट्रोल करता है ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेज। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सा जो थायराइड ग्लैंड और सुपररेनल बॉडीज जो है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं वो है एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन जो कंट्रोल करता है ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेज को ओके। तो ये था आपका ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में कि ऑस्मोरेगुलेशन फिशेज के अंदर किस तरह से होती है ओके।